जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन फ्रंट लॉन में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का सत्र द ग्रेट सर्वाइवल्स आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने कहा कि भारत बहुत ही सहिष्णु देश है। भारतीय संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय युवाओं को गर्व होना चाहिए कि वो एक महान सभ्यता के निवासी हैं। भारत के पास विविध रंग हैं, ये अपार सुंदर है। सत्र के दौरान उन्होंने अपने देश में तालिबानी के आतंक और संघर्ष पर चर्चा की। करजई ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि अफगान नीति में पाक ने कई गलतियां की हैं, अब पाक को इन्हें सुधारना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी नागरिकों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना भारतीयों से। उन्हें समस्या है तो सिर्फ पाकिस्तान के सैन्य तंत्र से। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरताओं और तालिबानी राज के खात्मे के बाद देश के नवनिर्माण की चुनौतियों पर करजई ने बेबाकी से अपनी राय रखी।